गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हम जो परमिटेशन अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन ले रहे हैं उसमें भी अब आ जाता है सर्कुलर परमिटेशन, राइट। और सर्कुलर परमिटेशन में दो कंडीशंस लगती हैं, दो तरह से बात होती है कि सपोज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, तो वो सब चीज़ों को हम थोड़ा समझेंगे। पहले मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा, फिर हम उस बात को समझेंगे कि कैसे उस तरह के फॉर्मूले आ रहे हैं, राइट। सो देर आर टू केसेस। अगर ये बोलता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट की बात है, व्हेन द पर्संस आर सिटिंग ऑन द राउंड टेबल, और इफ यू आर मेकिंग द गार्लैंड और मेकिंग द नेकलेस लाइक दैट, इस तरह के सवाल होते हैं। जबकि फ्लावर और बीड्स का और उनके मोतियों का यूज होता है, तो बाय दैट यू कैन मेक द गार्लैंड, राइट। सो देर आर टू टाइप ऑफ केसेस, वन persons are sitting on the round table and second one is you are making the garland. Garland can be, it is a garland or necklace like that. तो दो तरह की special points हैं, उसको हम समझेंगे। पहला case ले लेते हैं, case one, if there is difference between clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement, ठीक है। देखिए, एक बहुत ये कंडीशन लगती है, तो इसको हम अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ही केस को लिख दूं, देन number of arrangements of are different things out of n different things equals to, now see, this is npr divided by r, ये एक नंबर आता है और इसका एक्सप्लेनेशन हम लेंगे अभी, राइट। और इसी में एक केस भी लगता है, ये जो मेन केस है हमारा, मेन केस का इसमें एक कंडीशन ये लग जाती है, कंडीशन ये है कि इफ आर इक्वल्स टू एन, देखिए इसने लिया आउट ऑफ एन, हम आर को लेके उसको अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट हो रही है सर्कल में हो रही है, ठीक है ना। So these are on the circle, or you can say the persons are sitting on a table like the, sorry, on the chair, on the round table arrangement, right? तो उस तरह की जो condition होती है उसमें हमें बिठाना होता है, और out of n, suppose r को आप round table पे अगर arrange कर रहे हैं तो उसको हम एक divide कर रहे हैं r number से, यही point है, देखिए important, ये हम करते आए। अगर यही arrangement अगर suppose seat पे होता और आउट ऑफ एंड सपोज आर पर्सन इज टू बी सीटेड ऑन टू द आर चेयर्स और वो स्ट्रेट होती, ठीक है, तब हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीआर लिखते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब ये पूरा उस पर राउंड टेबल पे होता है और आर चेयर्स अवेलेबल हैं और आर पर्सन अवेलेबल हैं, तो हम उसको एनपीआर डिवाइडेड बाई आर क्यों करते हैं, ये मैं फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी। पहले उससे पहले एक और यहाँ कंडीशन लिख लें, इफ आर इक्वल्स टू एन, सपोज एन के एन पर्सन को बिठा रहे, सो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट टेकिंग ऑल टुगेदर, बस ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे that number of arrangement, these are all circular arrangement. देखिए main heading वो लिखी है, अभी जो arrangement की जो बात हो रही है सब circular ही है सारा, ठीक है ना। So number of arrangement is equals to np n divided by n, main formula यही चल जाएगा, यहाँ r था और r की जगह अगर suppose n आ जाता है तो np n divided by n लिखेंगे, और इसका आपको मालूम है कि हम इसको n factorial से divide लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एन होगा, इसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा, फिर
this is factorial n minus n divided by n. N say n cancel, and we can write the factorial n minus 1. So when the persons are there, ye work tab hoga, persons sitting on chair, sitting on chairs in circle, एक सर्कल में सर्कुलर अरेंजमेंट में वो लोग बैठे हैं और एनी चेयर्स हैं एन पर्संस बैठे हैं तो फैक्टोरियल एन माइनस वन से हम उसको लिखते हैं। अब देखिए अब पॉइंट आया एक्सप्लेनेशन का, यहाँ पे जो बात हम लिख रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया, राइट। तो देखिए ऐसा होता है कि यही बंदे अगर मान लीजिए आर पर्संस थे, 1, 2, 3, 4 और अप टू आर तक थे, अगर हम इसको यहाँ पे बिठा रहे होते, दीज आर द आर चेयर्स, और स्ट्रेट अगर चेयर पे बिठाते होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसको हम सीधा लिखते आउट ऑफ एन, हमारे पास में टोटल एन पर्संस होते हैं और इन आर पर्संस को यहाँ पे चेयर्स में बिठाना होता, दीज आर द चेयर्स, दे आर प्लेस्ड इन द लाइन इन अ रो, राइट, एंड आर चेयर्स आर देयर एंड आउट ऑफ एन, नाउ यू हैव टू अरेंज द आर सो दैट कैन बी रिटन बाय द एनपीआर। तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे तो ये एनपीआर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा, देखिए ऐसा होगा कि ये मान लीजिए सीट नंबर 1 है, 2 है, दिस इज 3, लेट्स से 4, 5, 6, 7, 8 एंड डैश डैश डैश, दिस इज आरथ चेयर, दिस इज आरथ चेयर, सो दीज आर द आर चेयर्स आर देयर एंड द पर्सन हैज टू बी सिट, वो उस पर बैठने हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा है वो एक नंबर पे बैठा और उसके करस्पॉन्डिंग हमने सारे अरेंजमेंट कर दिए। तो जब वो एक बंदा बैठ गया तो उसको अगर हम इस तरह से देखें यहाँ पे कि जैसे ये बंदा यहाँ बैठ गया और इस गार्डलैंड को, इसको सर्कल को आप ओपन कर दीजिए, स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, तब क्या होगा, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, वो आ जाएगा एन पी आर वेज से आ जाएगा। जब हमने इसको फिक्स कर दिया, इस चेयर पे नेमिंग कर दीजिए कि ये पर्टिकुलर बंदा यहाँ बैठा है और इसके अकॉर्डिंगली सबको अरेंज किया जा रहा है, तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी और ये काम होगा एनपीआर से। अब उस बंदे को यहाँ बिठा देंगे, सेकंड प्लेस पे बिठा देंगे और फिर भी वही एनपीआर अरेंजमेंट आएंगे। जब वो बंदा यहाँ बैठेगा तीसरे नंबर पे तो भी एनपीआर आएंगे और इस तरह से सभी प्लेसेस पे जितने भी बैठेंगे वो एनपीआर आएंगे। आरथ प्लेस पे भी जा के बैठेगा वो पर्टिकुलर पर्सन तो भी एनपीआर देगा। तो ये एक्चुअल में आर टाइम्स हो रहा है, आर टाइम्स हो गया, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 वो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमने फिक्स किया, फिक्स करते हुए फर्स्ट प्लेस पे बिठाया, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ पे और आरथ प्लेस पे बिठाया, तो हम जो एनपीआर अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो आर टाइम्स हो गए, वो आर टाइम्स हो गए। तो वो आर टाइम्स ऑफ एनपीआर था उस वैल्यू को, बिकॉज वो सर्कुलर में था, इसलिए हम ये करेंगे एनपीआर को आर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आर टाइम्स ऑलरेडी वैल्यू ले रहा है यहाँ पे। ये पर्सन अगर यहाँ बैठा सीट नंबर 1 पे तो एनपीआर दिया, 2 पे बैठा तो एनपीआर दिया, बिकॉज वो सिटिंग उसकी पोजीशन ऐसी है, तो बेटर टू डिवाइड इट बाय द आर टू गेट इनटू द सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि अब ये इस तरह की अरेंजमेंट नहीं है, ये इस तरह की है। अगर इसको इसको यहाँ से कट करके, इसको कट करके स्ट्रेट कर दें और उस सिचुएशन को आप बिल्कुल 1, 2, r पोजीशन तक लिख दें जैसा यहाँ लिखा है, तो वो एनपीआर ही देगा। लेकिन बोला वो पर्सन बंदा कहीं पे जा सकता है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको टोटल वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय द आर, राइट। सो दिस इज हाउ द इफ देयर इज अ डिफरेंस, ये जो लैंग्वेज यूज करता है कि इफ देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द क्लॉकवाइज एंड अरेंजमेंट एंड द एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, डिफरेंस ये होगा कि बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन द चेयर, तो डेफिनेटली एक अरेंजमेंट वैसा बना होगा जिसमें पर्टिकुलर एक पर्सन इस तरफ आया होगा, दूसरा इधर आया होगा, और सेम उसका आप ऊपर से अगर फोटो लेंगे तो वो सिचुएशन, हालांकि गार्लैंड में ऐसा होता है, गार्लैंड को आप हाथ में ले सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, और गार्लैंड को जब ऐसा घुमाएंगे घुमाएंगे तो जो फ्लावर इस तरफ है और इस तरफ है तो वो सेम फ्लावर आ जाएगा, बट द पर्संस दे आर सिटिंग ऑन द चेयर, उनको हम उठा के नहीं पलट सकते, ठीक है ना, उनको हम नहीं पलट सकते। तो उसमें दो तरह डिफरेंस आ जाता है,
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। लेकिन गार्लैंड में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर येलो फ्लावर है, येलो फ्लावर इस पोजीशन पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, इधर है, और मान लीजिए एक यहाँ एग्जैक्टली यहाँ है। तो अब इस गार्लैंड को हम सेम टर्न लेंगे, इसको अब घुमा के देखेंगे, क्योंकि वी कैन हैंडल द गार्लैंड, राइट, वो उसको हम हाथ में ले सकते हैं। और जैसे ही हम घुमाएंगे तो हमें वो घुमाने का मतलब जो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, उसी बात को मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे ही हम उसको ऐसा घुमाएंगे तो हमें आपकी तरफ से देखने पे वो सेम गार्लैंड दिखेगी, क्योंकि वो दोनों फ्लावर एक जैसे इधर उधर थे और इधर उधर थे, और एक यहाँ था, यहाँ था, एक बीच में था। सो मिरर इमेज उसकी बन जाएगी, सेम गार्लैंड। ऐसा करके देखो या ऐसा देखो, आपकी तरफ से देखेंगे यू विल सी द सेम गार्लैंड, बिकॉज यू कैन टर्न द गार्लैंड, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम इस तरफ से देखेंगे या इस तरफ से देखेंगे, सो यू विल सी द सेम, बिकॉज गार्लैंड है, हाथ में लिया जा सकता है, उसको तो पलट के दिखाया जा सकता है, बट सिटिंग, व्हेन द पर्सन आर सिटिंग, पर्सन को ऐसे नहीं घुमाया जा सकता, वो तो वहीं बैठेंगे। सो दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट व्हेन द पर्सन आर सिटिंग ऑन टू द चेयर, राइट। तो इसको हम लिखेंगे NPR डिवाइडेड बाय R, राइट। और उसी केस में अगर R, इफ यू आर टेकिंग ऑल द N persons टुगेदर, दे आर सिटिंग इन टू द N चेयर्स, देखिए N चेयर्स हैं, N चेयर्स अवेलेबल हैं सर्कल में, N persons अवेलेबल हैं, एंड दे हैव टू सिट ऑन टू द टेबल। सो टेबल की चारों तरफ N चेयर्स लगी हुई हैं, N डिफरेंट persons हैं, एंड नाउ दे हैव टू सिट, सो दे कैन बी सीटेड इन टू द फैक्टोरियल N-1 बेस। दिस इज फॉर द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर्स, राइट। अब देखिए वो आपको जो फर्क मैंने बताया, वो फर्क इसीलिए आ जाता है कि गार्लैंड को उठा के आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह से देखेंगे तो सेम अरेंजमेंट दिखेगी। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है गार्लैंड को हाथ में लेके ऐसा पलट के देखना, सो इट विल हैव द मिरर इमेज, मिरर इमेज, एंड फ्रॉम द बोथ साइड गार्लैंड विल लुक लाइक सेम, सो इट विल हैव द टू फॉर द ईच अरेंजमेंट देयर आर द टू सेट्स, एक ऐसा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का होगा, दूसरा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बेटर, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे और घुमाने से दोनों में गार्लैंड सेम दिखाई देगी, इसीलिए उसमें टू से डिवाइड किया था, वो मैं आगे लिखता हूँ। तो ये तो देखिए खाली पर्सन की बात हो गई, पर्सन का हमने ऐसा लिखा NPR इज टू बी डिवाइडेड बाय द R, अगर आप आउट ऑफ N R को अगर बिठा रहे हैं तो इस तरह से आएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय द N, ठीक है, और ऑल द N persons आर सिटिंग, देन अरेंजमेंट इज गिवन बाय द फैक्टोरियल N-1, दिस इज फॉर द पर्सन। और अब देखिए आप इसमें जो फर्क आता है, ये पर्सन का हो गया, और इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस होगा,